मुक्ति में काला मुकाम रखते हैं। दुआ के मुताबिक हम बहुत सी मुश्किल को खुदा के हजूर में रख सकते हैं और अपनी मुश्किल को हल कर सकते हैं। दुआ हमारी रूहानी जिंदगी को बढ़ोतरी देती है, हम रूहानी जिंदगी में दुआ के मुताबिक बढ़ सकते हैं, खुदा के नज़दीक जा सकते हैं। तो आज हम इसी मतलब खुदा के फादर के साथ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खुदा के फादर डॉक्टर फ्रांसिस गेल साहब, जो कि प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल के वाइस चेयरमैन हैं। तो जी डॉक्टर साहब, वेलकम। तो आज हम कलाम खुदा में से इसी मतलब एक आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा में से मुकदस मत्ती की अंजील उसका छठा बाब उसकी पाँचवीं से सातवीं आयत तक पढ़ेंगे। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मदद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पशीकी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीकी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त कह कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। कलाम खुदा का पढ़ा और उसने चला हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, खुदा उनका नहाज शुक्र हो। हमें तो जी डॉक्टर साहब, आज आप इस मुतलक हमें क्या रेफरेंस देंगे या बताएंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ मारिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम पावर इन प्रेयर में मुझे मदद किया और मैं खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा हूँ सबसे पहले कि खुदा जो हमारा अजीम खुदा है, जो कादर मुतलक है, जो वादों का सच्चा खुदा है, वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खास तौर पर प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, उस अच्छे बोझ और विजन के लिए जो खुदा ने हमें प्रिंस ऑफ पीस टीवी के वसात से हमें अदा किया है, ताकि हम खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के इंतहा तक जाएं। और आपका ये जो प्रोग्राम है पावर इन प्रेयर, यानी दुआ की ताकत, दुआ में पावर, दुआ की कुव्वत, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हमारे नाज़रीन आपके इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत को रिसीव करते हैं, वो अपनी ज़िंदगियाँ बदलते हैं। और आपकी खिदमत प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए बहुत ग्रां कदर है। मैं आपको खराज तरसीम भी पेश करता हूँ। और आज जो रेफरेंस कलाम खुदा में से आज आपने तलावत फरमाया है, मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका छठा बाब और उसकी पांचवीं आयत मुबारक से आपने रेफरेंस तलावत फरमाया है, बहुत ही बाबरकत रेफरेंस है दुआ के मतलब। यहाँ पर दुआ की अहमियत के बारे में और दुआ की तरतीब के बारे में और उसके अजर के बारे में बताया गया है जी, कि खुदा ने हमें किस तरह सिखाई है। जी ऐसे है, खुदा ने यसूसी ने फरमाया कि दुआ हम किसी वक्त भी कर सकते हैं। हर वक्त खुदा 24 घंटे खुदा के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, किसी वक्त भी खुदा की हजूरी में दुआ के लिए आ सकते हैं। ये हमारे लिए कोई कदगर नहीं है कि हमने इस वक्त आना है, खुदा हर वक्त 24 घंटे ऑल टाइम हमारे लिए मुयस्सर है। खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में दुआ करें। और यह खुदा ने फरमाया कि ये काम करता है हमेशा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और खुदा यसूसी ने कहा कि जब तुम दुआ करो, खुदा यसूसी ने यहाँ पर दुआ की तरतीब के बारे में बताया कि किस तरह से हमने दुआ करना, खुदा में खुदा बयान करता है। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मदद ना करो, क्योंकि वो अबादुल खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। खुदा यसूसी ने बहुत ही अच्छी और गुप्त बात यहाँ पर बताई है बुजुर्ग मदीसों की बात पर। उन्होंने कहा है कि जब तुम दुआ करो तो तुमने किस तरह से दुआ करनी, तुमने ऐसी दुआ नहीं करनी कि दुआ दिखावे की दुआ नहीं करनी कि हम बहुत ज्यादा मजबी हैं, हम बहुत ज्यादा दुआ करने वाले हैं, हम बहुत ज्यादा इबादत गुजार हैं। बल्कि खुदा यसूसी ने कहा कि तुमने ऐसी दुआ नहीं करनी जिस तरह रियाकार करते हैं कि वो बाजारों पर मोड़ों पर दुआ करना पसंद करते हैं, गली मोहल्लों में दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग देखें, उनको देखें, लोग कहें, उनकी वाह वाह करें, उनकी बल्ले बल्ले करें कि ये बहुत वालू है, ये बहुत रूहानी है, ये बहुत इबादत गुजार है। खुदा यसूसी ने फरमाया कि जब तुम दुआ करो, मैं जो लोग ऐसा करते हैं उनके अजर के बारे में खुदा यसूसी ने फरमाया कि जो लोग रियाकारी की दुआ करते हैं, जो लोग बाजार खानों के मोड़ों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें, खुदा यसूसी ने फरमाया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ
कि वो अपना अजर पा चुके, उनका कोई अजर नहीं है जो दिखावे की दुआ करते, बल्कि दुआ तो दिल से होनी चाहिए, वो रूह और सच्चाई से होनी चाहिए। वो दिल की आवाज है, दुआ एक ऐसी चाबी है जो आसमान को खोल देती है। दुआ एक फतेहमंद जिंदगी का राज है। तो खुदा यसूसी ने फरमाया कि तुम जब ऐसा करते हो, जब गैर रियाकारों की तरह दुआ करते हो, बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हो, खुदा यसूसी ने फरमाया कि ऐसी दुआओं का तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। तुम खुदा से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तुम दुखावे की दुआ करते, लोगों को मुतासर करने के लिए दुआ करते हैं। ऐसी दुआ का तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं, बल्कि तरीकेकार बताया। तरीकाकार क्या बताया? कि जब तू दुआ करे तो क्या करना है तुम्हें? लिखा है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखना तुझे बदला देगा और तुझे अजर देगा इसका। खुदा यसूसी ने फरमाया कि जब तू दुआ करे तो तू अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद करके तू खुदा से जो पोशीदगी में है तो उससे दुआ कर, क्योंकि वहां पर तू है और तेरा खुदा। तू अपना हाले दिल उसके सामने खोल दे, जरूर सुनेगा। तो जब हम ऐसे तौर से खुदा के हुजूर जाते हैं पूरे दिल से, दिल की गहराई से, रूह की सच्चाई से, क्योंकि कलाम खुदा का लिखा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदा में अपने खुदा को मोहब्बत रख। तो जब हम उसे इस तौर से मोहब्बत रखेंगे तो इसी तौर से उसके खुदा के हजूर आएंगे, पूरे ईमान के साथ, पूरे भरोसे के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी वफा के साथ। जब हम खुदा के हजूर आएंगे तो जब हम दरवाजा बंद करके अपनी खुदा के हजूरी में आएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो जाने का है, अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करने का है। तो खुदा यसूसी ने फरमाया कि तुम इस तरह से दुआ करो कि खुदा के हुजूर ऐसे जाओ कि अपने आप को खाली कर, अपने आप को खुदा की हजूरी में सरेंडर करके ऐसे जाओ कि पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी वफादारी के साथ खुदा की हजूरी में जाओ। अपनी कोठरी को बंद करके, दरवाजा बंद करके खुदा से अपने इंतजार जब करोगे तो यकीन खुदा तुम्हारे साथ। बिल्कुल। और आपकी नजर में रियाकार को तो पहले ही ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूँ, फिर और आपको इसको बता देता हूँ। यहाँ पर खुदा यसूसी ने कहा कि वो लोग, लिखा है कि जब दुआ कर तो रियाकारों की मानते हैं, यानी रियाकार कौन है? ऐसे लोग रियाकार हैं जो दिखावे के काम करते हैं, दिखावे की दुआएं करते हैं, दिखावे की परवरिश करते हैं, लोगों को मुतासर करने के, अपने आप के बल्ले बल्ले करने के लिए, वाह वाह करने के लिए, कि लोग हमें ये कहें कि वो बड़ा मसीह है, वो बहुत दुआ को है। खुदा यसूसी ने फरमाया कि जब दुआ कर तो रियाकारों की मानत नहीं, वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं कि लोग उनको देखें, लोग देखें कि ये कैसे दुआ कर रहा है, ये किस तरह से। लेकिन खुदा यसूसी ने फरमाया कि रियाकार जब ऐसा कर रहे हैं, रियाकार वही शख्स है जो दिखावे के काम कर रहे हैं, बल्कि खुदा के हुजूर में जब हम जाए तो दिल से जाए, रूह और सच्चाई से जाए, पूरी मोहब्बत और वफा के साथ जाए। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम रियाकारी के साथ खुदा के हुजूर जाते हैं, यकीन हम बरकत से खाली रह जाते हैं। और अगले रेफरेंस में लिखा है, दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बकबक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। जी ऐसे है कि खुदा यसूसी ने एक वादा किया, हमें बताया कि किस तरह से हमें ज्यादा बोलने से हमारी नहीं सुनी जाएगी, बल्कि हम जब दिल से दुआ करेंगे। हम देखते हैं कि बुजुर्ग एलिया नबी दिल से दुआ की, जब उन्होंने दिल से दुआ की तो खुदा ने आसमान को बंद कर दिया, फिर खोल भी दिया दुआ के वसीला। तो ये दुआ है जो दिल से होती है, ईमान से होती है। तो जब हम देखते हैं कि बुजुर्ग हन्ना ने दुआ की, तो किस तरह से खुदा ने उस पर फजल किया। ऐसी दुआ जो दिल से, रूह की सच्चाई से, दिल की गहराई से होंगी, ईमान के साथ होंगी, तो यकीन दुआ के जरिया से बाइस। खुदा फरमाते हैं कि मैं अपने बंदा को मांगने से पहले भी जानता हूँ कि उसे किन किन चीज़ों की जरूरत है, तो
हमें इस तरह प्रार्थना करनी है। जी ऐसे ही है, फरमाया कि तुम्हारे मांगने से पेश कर मैं जानता हूँ कि तुम्हें निकी निकी चीजों में महताज हो, तुम्हें क्या चीजें चाहिए गुलाम यसीन से तुम्हारे मांगने से पेश कर जानते हैं। वो हमारा ख्याल रखने वाले हैं, वो हमारी फिक्र करते हैं, जैसे बाप अपनी बेटों की फिक्र करता है, औलाद की बाप फिक्र करता है, बेटों की फिक्र करता है, उसी तरह गुलाम हमारी फिक्र करता है। जी बिल्कुल ऐसे जी अजीजों, खुदा के कदम ने बहुत ही खूबसूरत फरमाया कि दुआ हमारे रूहानी तौर पर पढ़ने के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि जिस तरह हन्ना ने दुआ की और खुदा ने उसकी सुनी और उसे औलाद वाली बनाया, तो इसी मतलब हम मैं कहूँगी कि दुआ के जरिए हम बहुत सी मुश्किल को हल कर सकते हैं। तो वक्त है कि हम खुदा के कदम के साथ मिलकर दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाया दुआ मांगे। खुदा कदूस, हम बड़ी आसी इनकसारी पर अपनी हलीमी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर के लिए, होस्ट मारिया जूनस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा कदूस, जो लोग प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वाच कर रहे हैं उनके लिए भी दुआ गो है, इन सब को बड़ी बरकत अदा करें। अगरचे इनके बदनों के अंदर कुछ बीमारियाँ हैं, तो जानता है गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ, हार्ट फेलियर जैसे नाराज यसु सिनासी के नाम से जाते हैं। खुदा कदूस, अपने सलाह सदा बहन भाइयों के लिए हजूर मोहम्मद मसीह, उनको संभाल, उनकी मदद और रहना मिलकर हिफाजत कर। खुदा कदूस, दुआओं में बनी सौ तीस की सारी टीम के लिए, वो हमारी यूनस के लिए, उस सब कुछ को बड़ी बरकत है, अपने जलाल अपनी गुवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करके सब कुछ मानते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से। आमीन। तो जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिया। तो जी भी मेरे समीद करती हूँ कि आप सब में आज के प्रोग्राम की वसीला से बात होगी, वसीला से बड़ी बड़ी बरकत हासिल की होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस।